नाज़रीन, मैं हूँ न्यूज़ विजन से समीना कुरैशी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा मोहम्मद इब्राहिम खान साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक सर। इस वक्त अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है, इस पर आपकी हुकूमत का क्या लाहे अमल है? घरों में बैठ के टफ टाइम देंगे क्योंकि आवाम तो इनके लिए बाहर आने के लिए तैयार है नहीं, और ये पहले भी कई बार ये कोशिश कर चुके हैं, कलेक्टिवली भी मिलके इन्होंने किया था और अलहदा अलहदा भी कोशिश की थी। बिलावल साहब ने पहले भी अपने सिंध में कोशिश की थी रैली निकालने की कि जी मैं ट्रेन मार्च कर रहा हूँ, तो फिर शाम को ख़वातीन का इंटरव्यू आया, बेचारी को एहतजाज कर रही थी कि जी हमें 2-2 हज़ार रुपये कहे थे और 200-200 रुपये दे के इन्होंने बजा दिया। तो मकसद है कि इन लोगों का जो पिछला 35 साल दौर है पीपी का और नोम का, तो इन्होंने माँ सिवाय ये कारोबार सियासत को कारोबार बनाने के और मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाने के और कुछ किया नहीं, तो इसलिए आवाम तो किसी सूरत इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। इनके पास सिर्फ एक आदमी है मौलाना फजल रहमान, जो कि वो मस्जिद के बच्चों को मदरसे के बच्चों को इकट्ठा करके ले आता है। और आप के सामने होगा, आपको याद होगा जब ये इस्लामाबाद धरना उसने लिया था, तो जब न्यूज़ मीडिया ने जाकर उन नौजवान बच्चों से इंटरव्यू लिया कि भाई आप क्यों आए हो, कि आप किस लिए आए हो, उन्होंने कहा जी हमें बताया गया है कि जी यहाँ पे जो है इस्लामाबाद में कुफर की और यहूदियों की हुकूमत आ गई है। अब देखिए ना, ऐसे इलाके फाटा के वहाँ पर जहाँ पर ना अखबार है, ना टी वी है, ना टेलीफोन है, ना कुछ वो देख सकते हैं, उन बेचारों को जो कुछ ये बताते हैं अपने ज़ाती मफादात को अचीव करने के लिए, तो वो उनकी बातों पे बिलीव कर लेते हैं कि जी मौलाना साहब ने दाढ़ी रखी हुई है तो ये अल्लाह के नेक आदमी होंगे, झूठ नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन इधर आके उन लोगों को भी पता चला कि उनको मिसयूज़ किया गया। वजह क्या है कि पहली दफ़ा है कि मौलाना साहब इस वक्त गवर्नमेंट में नहीं है, किसी अहदे पर नहीं है, तो वो उनको वो चीज़ खाई जा रही है। और बाकी इन दोनों की हिस्ट्री आपके सामने है, मुझे तो वो केसेस गिनते हुए भी अब मुझे नहीं याद आता कि मैं कितने केसेस इन पे इस वक्त चल रहे हैं, और ये वो केसेस हैं जो इन्होंने एक दूसरे पे किए हैं, इनमें से कोई केस ऐसा नहीं है जो हमने इनके खिलाफ किया। सर, जनवरी में अपोजिशन हुकूमत को लास्ट वार्निंग दे चुकी है जिसमें इस्तीफा का ऑप्शन भी है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जनवरी भी आ जाएगा और ना ही इस्तीफे देने वाले हैं और ना ही ये इनके लिए आवाम निकलने के लिए तैयार है, तो किसने इनको रोका है कि आप मकसद इस्तीफे ना दें या आप जो है आवाम को निकालें? आवाम जो है इनसे देखिए 35 साल एक बहुत बड़ा अर्सा है, पाकिस्तान की आधी ज़िंदगी है जो कि इन लोगों की हुक्मरानी में, हुक्मरानी क्या है इनकी, वो मिस गवर्नेंस की वजह से वो इस मुल्क के मकसद है हालात और जिस नैश में ये मुल्क पहुँचा है वो आप सबके सामने है। देखिए ना, 60 साल का कर्जा था 6 हज़ार अरब, इन्होंने 10 साल में उसको कर दिया 30 हज़ार अरब डॉलर, ठीक है ना। वो मकसद ये सारी चीज़ें आप अगर इनको काउंट करती जाएँ तो आपको एहसास होगा कि ये लोग माँ सिवाय अपने ज़ाती मफादात के इनके और कोई मकासद नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीटीआई की गवर्नमेंट ने आते ही हालात को अब संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं और एक 35 साल के अरसा ख़राब करते हुए लगा है, तो अब कम से कम इन 5 साल में हम मुल्क को एक सिमत दे जाएंगे, डायरेक्शन दे जाएंगे कि ताकि मुल्क जो है उस सिमत पे चले और मामला जो है वो सही दुरुस्त तरफ जाएँ और पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो जाए। सर, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बलदियाती निज़ाम को नाकाम करार दे दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चीफ जस्टिस साहब को सियासी बयान से परहेज़ करना चाहिए और ये निज़ाम अभी इस पर अमल दरामद ही नहीं शुरू हुआ, तो पहले ही नकायस निकालना जो है मेरे ख्याल में एक दफ़ा निज़ाम आ जाए। मुशर्रफ ने भी अपने दौर में बलदियाती निज़ाम दिया था, हमने उसी निज़ाम को मज़ीद नीचे निचली सतह तक ले जाने की बात की है और उसमें अगर हम कामयाब होते हैं तो फिर हमारी पूरी दुनिया देखेगी कि उसकी तारीफ़ की जाएगी। अगर ये निज़ाम कामयाब नहीं होता तो फिर उस पर जब एक निज़ाम का इजरा हो जाए, उसका अमल दरामद शुरू हो जाए, तो तब तो उस पर कोई कमेंट किया जा सकता है। अभी उस पर अमल दरामद ही शुरू नहीं हुआ, अभी इलेक्शन ही नहीं हुई और उससे पहले कोई भी आदमी बयान दे तो ये कोई मेरे ख्याल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
सर, आप हुकूमत को इस वक्त कितना मजबूत देख रहे हैं? एक वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है कि सॉलिड एज अ रॉक, ठीक है ना जी। हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत कंफर्टेबल भी है, मजबूत भी है। आपने सेनेट इलेक्शन में देख लिया, अभी फैटफ के जो ये इन्होंने बिल पे मोदी का स्टांस लिया कि ताकि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए, उससे अल्लाह के फजल व करम से आप देखें फैटफ की हमने बिल पास करा लिया और ये कुछ भी नहीं, मेजॉरिटी में होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके। उससे एक बात बड़ी क्लियर सामने आती है कि इनके अपने लोग इनसे तंग आ चुके हैं, हालांकि इनकी 36 नंबर इनके ज़्यादा थे, लेकिन वो लोग उन्होंने वो इसलिए आए ही नहीं कि ये जो है एक गलत नहज पे चल रहे हैं और ये मुल्क को तारीकी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो लोगों ने हमारा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बिल पास करा लिया और पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा, ब्लैक लिस्ट तो बहुत दूर की बात है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।